सर आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। जैसे कि आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिलगढ़ी ब्रांच, ये जो ऑफिस है, ऑफिस का इंचार्ज आप ही है जी। सर आपको शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सबिन कुमार छेत्री है, और मैं यहाँ मिलन मोड़ का निवासी हूँ। अच्छा, जरा आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में दो शब्द कहें। आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो एक जमीन खरीद बिक्री का काम करती है, जिसमें हमको भी आज से 4 महीने पहले मौका मिला और हम इसमें कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते हुए हमारे साथ 15 लोग और लीडर्स हैं जो इसका लाभ उठा रही है, और हम चाहते हैं कि संपूर्ण वासी जो भी इसके इच्छुक हो वो हमारे ऑफिस में आए, हमसे संपर्क करें। सिलगढ़ी साथ साथ ही पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए खुशी का खबर, आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिलगढ़ी में आ चुकी है। भारत का विभिन्न जगहों में अपना रियल इस्टेट प्लान पूरा करने के बाद अब सिलगढ़ी में आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड अपना ड्रीम प्लान पूरा करने जा रही है। और मैं इस कंपनी में, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कंपनी सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका अपना लाइसेंस है, तो काम करने में भी कोई असुविधा नहीं है, और ये रियल इस्टेट जो काम कर रही है सच में मालिक जो है इनकी सीएमजी सर और मैम दोनों का दिल जो है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सिलगढ़ी का मिलन मोड़ में है। प्रैक्टिकल खबर ने जानना चाहा आखिर आरएससी वर्ल्ड और रियल इस्टेट है क्या। आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का चीफ निसार खान से बात करके ये जानना चाहा। आरएससी वर्ल्ड शुद्ध रूप से जमीन का व्यवसाय करती है, और पूरे भारत में जमीन के व्यवसाय करने का जो सबसे सरल तरीका है, मैं अलग अलग राज्य के अलग अलग शहर में जाकर के वहाँ के जो जमीन के डीलर्स हैं उनको सही तरीका बता रहे हैं। अच्छा सर, आपका बात काटती हुआ, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? निसार खान। निसार खान, आप एक्चुअली घर कहाँ पड़ता है सर? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अच्छा। एस एंड ए रॉक हिल सिटी आपका ड्रीम प्लांट जी। अच्छा, सिलगढ़ी में आपका क्या कैसा प्लान है? सिलगढ़ी में यहाँ पर अच्छे अच्छे लोकेशन जमीन लेकर के उनको एक सोसाइटी डेवलप करना, और यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हमारे हैं साथी उनको जो है रोजगार युक्त बनाना, ये अपना मकसद है। अच्छा, सिलगढ़ी में कौन कौन सा जगह में आप ये ड्रीम प्लांट करने का विचार है? सिलगढ़ी के सभी क्षेत्रों में जिस छोटे छोटे बाजार जहाँ भी है उसको हम लोग डेवलप करेंगे, जो भी क्षेत्र है मुझे बहुत जानकारी यहाँ के बारे में नहीं है, आसपास के जो भी छोटे छोटे मार्केट होंगे उनको डेवलप किए जाएंगे और शहर को भी। अच्छा सर, ये जो आपका रियल इस्टेट का ही प्लान है जी, तो ये कितना साल से आप कर रहे हैं? मैं वैसे तो 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से नियंत्रण जो है अगर राज्य में पिछले 12 साल से किया जा रहा है। अच्छा, ओके सर, अभी तक कितने शहरों में आपका ये ड्रीम प्लान सक्सेस हुआ? कम से कम लगभग 100 शहर से ऊपर। जैसा कि? जैसा वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, ग्वालियर, धनबाद, रांची, इस तरीके से। ओके, जो आपका ये ड्रीम प्लान सक्सेस होने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है पूंजी, तो ये आप कलेक्शन करके करते हैं या अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से ही आप बनाते हैं? दोनों करते हैं, जो कुछ निवेशक होते हैं अगर रियल इस्टेट इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम ऑफर करते हैं। ओके, उनको अपना प्रपोजल देते हैं, अगर वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ, लेकिन उससे उसी शहर के लोग जिस शहर में व्यवसाय करना होता है उसी शहर के निवेशक उस शहर में इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ व्यापार में जुड़ सकते हैं। अच्छा, आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो है बस रियल इस्टेट का ही ये सेक्शन है या दूसरा भी है? वर्तमान में रियल इस्टेट है, बस उससे सिवा है नहीं? नहीं, अभी हॉस्पिटल का प्लान कर रहे हैं हम लोग, हमारी एक ओपनिंग हॉस्पिटल की है बनारस में और इसी जनवरी माह में होगी। अच्छा, थैंक यू मैडम। मेरा नाम शुभता परवीन है, एसएनए रॉयल सिटी प्राइवेट लिमिटेड की सेकंड डायरेक्टर। हमारा एम यही है, सर ने भी बताया, हम जमीन का व्यापार करते हैं, पूरी तरह से जमीन का ही व्यापार करते हैं, और अभी कुछ प्लान चल रहे हैं जो सामने नहीं आए,
मेन हमारा एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यवसाय दे सकें। जिस तरह से अभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से हमारा देश क्या दुनिया गुजरी हुई है, तो इसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, चीज़ें प्रभावित हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से ही कुछ लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सके, जो अच्छे से काम कर सकें, खा ले सकें, अपने परिवार को चला सकें। अच्छा मैडम को मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जैसे कि साधारण आदमी ये आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कैसे जोड़ा जा सकता है, वैसे मतलब कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे हमारी ब्रांच सिलीगुड़ी में आ गई, ठीक है, हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं, हमारी कंपनी में आकर के वो अपनी आईडी लगाएंगे, आईडी लगा करके जैसे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, एकदम सिंपल है, वो यहाँ के सीनियर बता देंगे और एकदम नीट एंड क्लियर सारी चीजें उनके सामने रख दी जाएंगे। वो जुड़ के एक अच्छा व्यवसाय करें और कोई इसका लंबा प्रोसेस नहीं है कि आईडी वगैरह लेकर के जनरली। और एक चीज़ और बता दें कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड भी है और बहुत जल्दी यहाँ पे हम रेरा से वो कराने वाले हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड हुए हैं कौन सा सेक्शन में आप लोग रजिस्टर्ड किए हुए हैं? कंपनी एक्ट के तहत ओके। अच्छा तो कितना साल हो गया आपका रजिस्टर्ड करते हुए ये कंपनी? पाँच साल हो गया। अच्छा मैडम, एक बड़ी खुशी की बात है जैसे कि आप लोग रियल इस्टेट शुरू करके लोकल स्थानीय युवाओं को, युवतियों को आप रोजगार दे रहे हैं, ये तो एकदम बढ़िया बात है। तो आप लोग दर्शक प्रैक्टिकल खबर दर्शकों को और पीपल्स जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मैडम, प्लीज? देखिए, हम चाहते हैं कि हर इंसान को, जैसे हम अपनी बात करें तो हम खुले मिजाज के हैं जी। हम चाहते हैं कि अपने व्यवसाय को अच्छे से लोगों के सामने रखें, बिना किसी भी चीटिंग के, किसी भी तरह के, ताकि लोग हमसे अच्छे से जुड़ें। और काम करना बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी चाहे लेडीज हो या जेंट्स, काम करना बहुत ही अच्छी बात है। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो इससे कहीं अच्छा है कि अगर सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस पर एक बार ट्राई करें थोड़ा पैसन बना करके। और हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े उसका समय ना नुकसान हो, उसको कुछ फायदा समझ में आए। हम बहुत कुछ अपने मन में लेके चल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा रोजगार दे सकें, प्रोवाइड कर सकें लोगों को, इसी बहाने खुशियां मिले, लोग अच्छे से समाज को मेंटेन कर सकें। जी। अच्छा मैडम, जैसे कि आप लोग का रियल इस्टेट का प्लान है, जब आप पूरा रियल इस्टेट कम्प्लीट करेंगे उसके बाद आप लोग का स्टेप कहाँ जाएगा? रियल इस्टेट तो ऐसा है कि कंप्लीट होगा, रियल इस्टेट व्यवसाय कंप्लीट होगा ये तो पॉसिबल नहीं लगता। अच्छा, सिलगढ़ी में साथ ही साथ हम लोग और बहुत कुछ प्लान करके चल रहे हैं, ऑल टाइप सर्विसेज भी देने वाले हैं जी। फिलहाल अभी तो इसी पे चल रहे हैं जी। हाँ, सिलगढ़ी में अभी जैसे कि हम लोगों का फर्स्ट टाइम आना हुआ है, बाकी काम तो चल रहा है लगभग एक साल से, 8-9 महीने से चल रहा है। और अभी कल कुछ विजिट भी है, तो नाम देखिए अदर स्टेट हो जाते हैं तो नाम थोड़े से अजीब से होते, तो बहुत जल्दी हम लोगों को याद नहीं होते। आजी। तो अभी हमारा जहाँ अपना खुद का प्लॉट चल रहा है रायबारी में चल रहा है। अच्छा, तो कुछ नाम इस तरह के हैं जो जैसे हम अपने नाम तो फटाफट ले लेते हैं अपने यूपी के, तो इस तरह नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक दो जगह चल रहा है, बाकी विजिट करके काम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू मैडम। इसके दस्तावेज के बारे में कहा जाए तो इसके हर राज्य में अलग अलग इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ओके। जिस राज्य में हम लोग का काम शुरू हो जाता है, जैसे जमीन कंपनी ले लेती है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग अग्रीमेंट साइट पे जमीन लिए हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी जमीन रजिस्टर्ड करा, जमीन कंपनी ले लेती है, मतलब कौन सा कंपनी? अपनी कंपनी आरएससी कंपनी ले लेती है जमीन, तो यहाँ पर यहाँ के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ये कह दीजिए कि बंगाल के उसके रेरा के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। और हम लोग का जीएसटी नंबर है आपको 09XPS6464J2ZB, सी नंबर है U70109UP2016PTC0858878। और इसके बाद हमारी कंपनी का जो रियल एस्टेट का जो काम होता है ना, इसमें एक जो सबसे ज्यादा चीजें होती है कि जिस राज्य में काम करती है कंपनी वहाँ के एक रजिस्ट्रेशन अलग से करनी पड़ती है, जैसे कि आपके बंगाल में, तो ये प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। अच्छा, आप लोग बस रजिस्टर्ड जमीन ही लेते खरीदते हैं, उसके सिवाय मैंने भेज जमीन वगैरह ऐसा लेते नहीं है? नहीं, बाकी नहीं लेते, रजिस्टर्ड जमीन लेते, उसको अपना ले करके या एग्रीमेंट करा करके हम लोग प्लॉट डेवलप करके फिर इसको सेल करते हैं।
सर यो आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बारे में दुई शब्द आरएससी वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड एउटा कंपनी हो जो कंपनी चाहिँ एउटा जमीन किनेर बेच्ने काम गर्छ प्लॉटिंग गरेर र यो चाहिँ तपाईको लखनऊ को यसको हेडक्वार्टर हो र हामीलाई आज मात्र हाम्रो मालिक र मालकिन पनि आएर यहाँ एउटा मिटिङ गर्ने मौका पाएँ र म यो जनतालाई भन्न चाहन्छु कि एउटा राम्रो कंपनी छ आज मसँग 15 जोडिएर उनीहरूले पनि राम्ररी एउटा कमाउँछ अच्छा यो अफिसमा तपाईको तपाई कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ म अहिले ब्रान्च म्यानेजरको रूपमा अच्छा साधारण जनताले तपाईसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहे भने कस्तो प्रकारले कन्ट्याक्ट गर्छ होला साधारण जनताले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहे भने मेरो इमेल आईडी छ samin.chhetri@gmail.com हजुर मेरो फोन नम्बर छ 7908459678 र अफिसमा आएर कन्ट्याक्ट गर्नु भयो भने मिलन मोडमा तपाईको यो त्रिवेणी रोडमा तपाईले अफिस पाउनुहुन्छ आरएससी वर्ल्ड अच्छा यसको बोर्डै लागेको छ र 24 साथै हप्तैभरि यो अफिस खुल्दैरहन्छ अच्छा यो कम्पनीले खालि रेस्टेड जमिन मात्रै उठाउँछ कि भेस्ट पनि उठाउँछ अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ कम्पनीले के चाहन्छ भने मान्छेले धोका नपाओस् एउटा रेस्टेड जमिन जुन चाहिँ चाहिँ हामीले त्यसको म्युटेसन त्यसको तपाईको कन्भर्सन दिनु सकौँ र प्लान पास होस् त्यस्तो जमिन हामीले किन्नु पायौँ भने बेच्दाखेरि कस्टमरलाई पनि हामीले राम्रो कुरा दिनु सकौँ र उनीहरू सेटिस्फाई हुन्छ Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.